everyone, welcome to our channel Maxwell's Study Hub. So today we are going to start with our new topic, Geography, chapter number 8 for 10th standard Maharashtra State Board. The name of the chapter is Economy and Occupation. ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक एंड ऑक्यूपेशन, जहां हमारा जैसे कि हमने लास्ट ईयर हमारे इकोनॉमिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था. ठीक है, वी हैव लर्नड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक, जहां हमने इकोनॉमिक के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी. हमने इकोनॉमिक के कंट्री के इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा. वी हैव लर्नड अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक वी हैव लर्नड. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ऑक्यूपेशंस एंड इकोनॉमी. अगर अब हम इस चैप्टर में हमारे इंडिया और ब्राजील, ये दो ऐसे पर्टिकुलर कंट्री है, दो पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, जिसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक्स जो आपके जो इंट्रोडक्शंस हैं इकोनॉमी के रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्चुअली इज. ठीक है, अब जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखा है ये आपके बुक में मेंशन नहीं है. ठीक है, ये मैंने स्लाइड्स में ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि व्हाट इज इकोनॉमिक. इकोनॉमिक कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप उस पर्टिकुलर कंट्री के इकोनॉमिक का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट से क्लियर हो जाए. ठीक है, सो इकोनॉमिक इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस. ओके, जितना भी गुड्स और सर्विसेज की कमोडिटी, यानी जितने भी कमोडिटी है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, देखिए कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में इकोनॉमी क्या है. सबसे पहले तो इकोनॉमी एक सोशल स्टडीज है, ठीक है, एक सोशल साइंस है. अगेन इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, जो कि सोशल साइंस के अंदर आ जाता है. और इकोनॉमिक जो है वो तीन चीजों से डील करता है मोस्टली, जो कि है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. कौन से तीन चीजों से डील करता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. याद रखना है कि ये चीजों के साथ इकोनॉमिक पूरा बना हुआ है. ठीक है, अगर मैं किसी भी पर्सन को पूछता हूँ या कोई मैं स्टूडेंट को भी अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज इकोनॉमिक, तो बच्चों को क्या लगता है और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या लगता है कि इकोनॉमिक मीन्स मनी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता. ठीक है, इकोनॉमिक मीन्स मनी ही नहीं होता. मनी एक पर्टिकुलर पार्ट है इकोनॉमी का, जहां पर इकोनॉमिक बता रहा है कि बजट प्लानिंग कैसे करना है, फाइनेंस कैसे यूटिलाइज करना है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है. तो इकोनॉमिक फाइनेंस को डील करता है, बट इकोनॉमिक फाइनेंस नहीं होता. ठीक है, सो इकोनॉमिक जो है वो एक्चुअल कंसेप्ट इकोनॉमिक का क्या है, एक्चुअल कंसेप्ट ये है कि वो एक सोशल साइंस है और वो तीन चीजों के ऊपर अपना इंपॉर्टेंस फोकस करता है, एम्फेसिस करता है. और वो तीन चीजें क्या है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और कंजम्पशन है. ठीक है, यानी कि कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो कैसे प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, सो इकोनॉमिक ट्राइज टू सीक आउट द सॉल्यूशंस, ट्राइज टू सीक आउट द प्रॉब्लम्स. ठीक है, सच एज हाउ मेनी गुड्स टू बी प्रोड्यूस, हु आर गोइंग टू प्रोड्यूस द गुड्स. ठीक है, विच गुड्स सपोज टू बी प्रोड्यूस. ठीक है, सो ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं व्हाट हाउ वाले, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को सीक आउट करता है इकोनॉमिक. ठीक है, इकोनॉमिक ऐसी स्टडी जो प्रोडक्शन के ऊपर डील कर रहा है, यानी कि प्रोडक्शन कितना होगा, कैसे होगा, कौन करेगा प्रोडक्शन, ठीक है, किस वक्त प्रोडक्शन होना चाहिए. ठीक है, ये सारी चीजों के ऊपर इकोनॉमी स्टडी करता है. द नेक्स्ट टू द प्रोडक्शन इकोनॉमिक एम्फेसिस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट. ठीक है, जहां पर इकोनॉमिक बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, अब जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो प्रोड्यूस गुड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, उनका चेन कैसा होगा. ठीक है, कहां से गुड्स कहां तक कैसे ट्रैवल करेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोगों तक कैसे पहुंचेगा. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या होगा. ठीक है, टैक्सेस क्या होंगे, कॉस्टिंग क्या होगा, ये सारी चीजों को भी इकोनॉमिक स्टडी करता है. इसलिए नेक्स्ट टू द प्रोडक्शन इकोनॉमिक डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन. अब जैसे इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करता है, सिमिलरली
इकोनॉमिक कंजम्पशन पैटर्न पे भी फोकस करता है। ठीक है, कंजम्पशन पैटर्न यानी कि हर ह्यूमन का कंज्यूमर बिहेवियर अलग अलग होता है। जैसे अगर आप 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, ठीक है, सो कॉमर्स के सेक्शन में इकोनॉमिक इज द कोर सब्जेक्ट, ठीक है, वेयर आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में उन्होंने बताया है कि व्हाट कंज्यूमर बिहेवियर एक्चुअली इज। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, मान लीजिए कि दो कंज्यूमर है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर ए को ब्रांडेड एंड लग्जूरियस गुड्स खरीदना बहुत पसंद है। ठीक है, ब्रांडेड वॉच चाहिए, ब्रांडेड टी शर्ट चाहिए, ब्रांडेड जीन्स चाहिए। ठीक है, बिकॉज वो बिलीव करते हैं एक ही बार पैसा डालो और अच्छा ब्रांड लो और काफी अच्छे से उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, Whereas मिस्टर बी जो है, वो मिस्टर बी की सोच क्या है, मिस्टर बी की सोच ये है कि मैं घड़ी अगर मैं लेता हूं, अगर मैं वॉच अगर मुझे चाहिए, तो अगर मैं वॉच 10,000 का लूंगा फिर भी वो सेम टाइम बताएगा, और अगर वॉच मैं 250 का लूंगा वो भी सेम टाइम बताएगा। ठीक है, और जितना सस्ता मैं खरीदूंगा, जितना सस्ता खरीद रहा हूं मैं, 2-3 महीने मैं चला रहा हूं, उसके बाद मैं वापस अगेन मैं न्यू परचेस कर रहा हूं, फिर 2 महीने के बाद अगेन न्यू परचेस कर रहा हूं, और जितने बार मैं न्यू परचेस करूंगा मेरी हैप्पीनेस वो परचेस में उतना ही ज्यादा मुझे, मेरा डिजायर जो होगा वो मेरा कंप्लीट होगा। सो ये दो इकोनॉमिक बिहेवियर, देखो दो कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर का कुछ अलग सोच, दूसरे कंज्यूमर का अलग सोच। सो ऐसे ही इकोनॉमिक, नेक्स्ट टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक ऑल्सो डील विद द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन, हर एक इंडिविजुअल पर्सन के कंजम्पशन पैटर्न के बारे में भी स्टडी करता है। सो ये इकोनॉमिक होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज इकोनॉमिक, सो ये नहीं कहना है कि इकोनॉमिक मींस फाइनेंस, इकोनॉमिक मींस पैसा, नहीं, इकोनॉमिक डील्स द फाइनेंस, ठीक है, बट व्हाट इज इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस विच दैट स्टडीज दैट डील्स विद द 3 मेन कोर कंसेप्ट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। आई रिपीट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ओके, अब ये जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन होगा वो किसका होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, गुड्स यानी कि कमोडिटी, इकोनॉमिक टर्म्स में आप इसे क्या बोलोगे, कमोडिटी बोलोगे। ओके, सो हम वैसे ही इंट्रोडक्शन टू ऑक्यूपेशन भी देख लेते हैं। जैसे हमारा चैप्टर का नाम है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, सो इकोनॉमी के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम ऑक्यूपेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। द वर्ड ऑक्यूपेशन, ठीक है, यानी कि काम, ठीक है, जॉब। अब आप लोग ऑक्यूपेशन से ऑलरेडी फेमिलराइज हो, आप लोगों ने काफी वक्त सुना है वर्ड ऑक्यूपेशन के बारे में। ठीक है, तो भी हम एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। द वर्क डन टू फुलफिल आर बेसिक नेसेसिटीज सच एज फूड, क्लोथ, शेल्टर इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशन। यानी कि अगर हमारे बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है और शेल्टर है, इन तीनों को अगर मुझे फुलफिल करने के लिए मैं अगर काम कर रहा हूं, सो वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्यूपेशन हो जाएगा। ठीक है, देन देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, जो कि आप बचपन से आपने सुना है और आप जानते भी हो। देर आर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ठीक है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन आर दोज ऑक्यूपेशन विच आर रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, सच एज एग्रीकल्चरल, माइनिंग, ठीक है, फिशिंग, दिस ऑल आर द प्राइमरी ऑक्यूपेशन बिकॉज दे ऑल आर रिलेटेड टू नेचुरल नेचर। ठीक है, देन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आर दोज ऑक्यूपेशन विच आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे जैसे वक्त होता गया, हिस्ट्री में इवोल्यूशन आता गया, तो क्या होने लगा कि इंडस्ट्रीज फ्लरिश होना स्टार्ट हो गए, तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वहां से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट टू द सेकेंडरी इज टर्शियरी ऑक्यूपेशन। नाउ व्हाट इज टर्शियरी ऑक्यूपेशन, टर्शियरी ऑक्यूपेशन इज रिलेटेड टू सर्विस ओरिएंटेड ऑक्यूपेशन। यानी कि अगर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, गुड्स कमोडिटी मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो टर्शियरी तक यानी कि आप तक वो गुड्स जो पहुंचाएगा, सर्विसेस, वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे टर्शियरी में। टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर। ठीक है, दे ऑल आर द पीपल हु प्रोवाइड्स द सर्विस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ टीचर, टीचर प्रोवाइड्स अ सर्विस, ठीक है, आपको नॉलेज दे रहा है टीचर। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। सो ये था हमारा अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे
चैप्टर के इंट्रोडक्शन के, ठीक है, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट वाला कंप्लीट करेंगे, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है एक्सप्लेनेशन का, एन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट इन द कंट्री, बराबर। हर कंट्री के इकोनॉमी किसके बेसिस पे जज होगा, वो जज होगा उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे। अगर आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री का अच्छा है तो आपकी कंट्री का इकोनॉमी काफी अच्छा होगा, ठीक है। इंडियाज इकोनॉमी हैज अ हायर नेशनल इनकम देन ब्राजील, अगर हम इंडियन एंड ब्राजील की बात करते हैं, सो जब हम इनके कंपैरिजन में बात करते हैं, सो इंडियाज इकोनॉमी एज अ हायर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम यानी कि सबसे पहले कंसेप्ट समझो, व्हाट इज नेशनल इनकम एंड इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल इनकम अ पर्सन, एन इंडिविजुअल पर्सन अर्न्स द मनी, ठीक है, इज नोन एज इंडिविजुअल इनकम। बट व्हाट इज नेशनल इनकम, पूरे कंट्री के हर एक सिटीजन का इनकम, यानी कि सभी के इनकम को अगर आप जोड़ दो तो वो एक नेशन का इनकम होगा, यानी कि वन ईयर में नेशन कितना मनी जनरेट कर रहा है, ठीक है। ब्राजील इज वन ऑफ द वर्ल्ड जायंट ऑफ माइनिंग एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इट हैज अ स्ट्रांग एंड रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर, ठीक है। ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की है कि कंट्री में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जैसे ब्राजील की बात कर रहे हो, सो माइनिंग होता है, एग्रीकल्चरल होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी ब्राजील इज इन्वॉल्व इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, इट इन्वॉल्व इन टर्शियरी टू बट नॉट दैट मच एज कंपेयर टू दी primary and secondary. Then similarly India is still dependent on agricultural, though service sector is also increasing in India. India की economic जो है वो कैसी है, agro based है, we are agrarian country, यानी कि हम agricultural पे सबसे ज़्यादा believe करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हमारे कंट्री से हैं और जितने भी क्रॉप्स कल्टीवेट होते हैं वो हमारे कंट्री से होते हैं। लाइक इंडियन इकोनॉमी, ब्राजील इकोनॉमी इज ऑल्सो अ मिक्सड इकोनॉमी, जो कि आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा, व्हाट इज मिक्सड इकोनॉमी। मिक्सड इकोनॉमी मीन्स ऑल द सेक्टर्स, ठीक है, जितने भी ऑक्यूपेशन है या जितने भी चीजें हैं, ठीक है, आर होल्ड एंड मैनेज बाय पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। यानी कि कुछ चीजों पे पब्लिक का हाथ है, यानी गवर्नमेंट चीजें हैं, और कुछ जगह पे प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं, रेलवे, इंडियन आर्मी, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर्स भी है, जैसे मेट्रो हो गया, ठीक है, और भी काफी सारे हैं, रिलायंस है, ठीक है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन में प्राइवेट है, बहुत सारे जगह पे, जैसे बैंक देख लो तो बैंक में ICICI, एक्सिस बैंक, दिस ऑल आर द प्राइवेट सेक्टर्स, एंड SBI इज पब्लिक सेक्टर, ओके। सो इंडियन इकोनॉमी की जैसे ब्राजील की इकोनॉमी भी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ आर देयर, बोथ आर इन्वॉल्व, गवर्नमेंट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी सेक्टर, एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी सेक्टर। बोथ द इंडिया एंड ब्राजील इकोनॉमिक्स आर डेवलपिंग कंट्रीज, सो देयर पर कैपिटा इनकम इज लेस कंपेयर टू द डेवलपमेंट कंट्रीज लाइक द USA, ठीक है। सिंस ब्राजील एंड इंडिया बोथ आर डेवलपिंग कंट्री, सो इनके पर कैपिटा इनकम, नाउ व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा यानी कि कैपिटल मनी, ठीक है, सो पर कैपिटा इनकम इज नथिंग बट एन इन मनी एंड इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन इज नोन एज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। सो यहां पर कैपिटा इनकम इंडिया में काफी, इंडिया और ब्राजील में कम है एज कंपेयर टू दी USA, because USA are developed countries, so उनकी हर पर कैपिटा इनकम, यानी कि वहां के गरीब लोग भी आपको अमीर ही लगेंगे, ठीक है, जहां पर हमारे इंडिया के जैसे सीन जो है, हमारे इंडिया का जैसा है कि जो पर इंडिविजुअल पर्सन है उनका इनकम इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका 10,000-15,000 मंथली सैलरी है, बट वो USA में नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं, द यूनाइटेड स्टेट इज अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट इज वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री बोला है, आपको पता ही है ये चीजें, द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज वेल एजुकेटेड, ठीक है, अगर वो डेवलप्ड है तो जाहिर सी बात है कि वो लिटरेट भी होंगे, ठीक है, दे आर वेल लिटरेट, दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर वेल स्किल्ड,
ओके दिस कंट्री हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ मेनी पेटेंट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ठीक है, पेटेंट की बात की है यहाँ पर, पेटेंट इज नथिंग बट अ कॉपीराइट. ठीक है, अगर कोई दो प्रोडक्ट बन रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल पेप्सी और थम्सअप, तो पेप्सी और थम्सअप दे बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. ठीक है, बिकॉज अगर मैं एक वक्त पे बोलूँ मेरे पास पेप्सी नहीं है तो आप थम्सअप के लिए जाओगे, बिकॉज सेम फ्लेवर एंड सेम टेस्ट बट डिफरेंट कंपनी. सो पेटेंट होता है कि कॉपीराइट, कि मेरे प्रोडक्ट को कोई और कॉपी ना करे. ठीक है, तो पेटेंट के अंदर कॉपीराइट आ जाता है. ठीक है, फिर आपने रजिस्टर्ड देखा होगा, आर्डन टीएन देखा होगा, ट्रेडमार्क. ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके अंदर काउंट हो जाते हैं, पेटेंट के अंदर काउंट हो जाता है. देन आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला है कि दिस कंट्री, ओके द इंडिया एंड ब्राजील इज डेवलपिंग कंट्री. These countries are progressing in the field of technological advancement, educational and industry. ठीक है, इंडिया एंड ब्राजील की बात की है कि डेवलपिंग कंट्री है, दो दे आर डेवलपिंग कंट्री बट स्टिल दे आर ग्रेजुअली दे आर डेवलपिंग इन द फील्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी आईटी. ठीक है, एंड इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन एंड इंडस्ट्री टू, बिकॉज पहले के वक्त पर इंडिया में एजुकेशन नहीं था, इंडिया में इंडस्ट्रीज नहीं थी, इंडिया में टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी चीजें नहीं थी. बट अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन एज आ गया, मॉडर्न एज आ गया, अब क्या हो रहा है, चीजें बदल रही है. ठीक है, इंडिया पर कैपिटा इनकम सीम्स टू बी इवन लोअर एज इंडियन साइज इज वेरी लार्ज. ठीक है, इंडिया का पर कैपिटा इनकम इतना लो क्यों है, बिकॉज इंडिया का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस चीज का एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ये चीज का एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं आपको एक एप्पल देता हूँ, चलो एप्पल लेकर एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हम चार लोग होंगे एक एप्पल के लिए तो हमें कितना डिविजन करना होगा, वी विल डिवाइड द एप्पल इंटू फोर पीसेस. ठीक है, चार पीस किया तो वो चार में बटेगा, यानी कि एक एक भाग सबको मिलेगा एप्पल का. अगर वही एक एप्पल में से मुझे आठ लोगों को बांटना है तो क्या होगा, जो एप्पल के जो पीसेस होंगे वो और छोटा छोटा होगा. ठीक है, और सब डिवीजन होगा उसके अंदर. सो यही होता है कि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से पर कैपिटा इनकम डिक्रीज होता जाता है. सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जहां हमने आज अब इस वीडियो में इकोनॉमिक के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया. वी हैव स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑक्यूपेशन. ठीक है, एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द स्मॉल इंट्रोडक्शन टू द इंडिया एंड ब्राजील इकोनॉमी. ठीक है, जहां हमने मिक्सड इकोनॉमी के बारे में स्टडी की और हमने देखा कि कैसे डेवलपिंग हो रहा है हमारी कंट्री में एजुकेशन के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजीज के रेफरेंस. ठीक है, सो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जहां हम एक एक करके प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे इंडिया एंड ब्राजील के. देन हम हमारे सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस के साथ भी हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारे ब्राजील और इंडिया को, और इवन हम टर्शियरी सेक्टर से भी हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारे इंडिया और ब्राजील को. सो हम दोनों इंडिया के भी कुछ सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि इंडिया का पोजीशन क्या है, इंडिया की इकोनॉमी क्या है, और ब्राजील के भी कुछ सेक्टर के बारे में डिस्कस करके हम बताएंगे कि ब्राजील की इकोनॉमी क्या है, ब्राजील कौन सी स्टैंड पे, कौन से पोजीशन पे स्टैंड करता है फिलहाल. ठीक है, इंडिया और ब्राजील. सो तब तक के लिए आपको करना क्या है कि आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड्स के जितने मैंने आपको बताए इनके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Thank you.